नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 16वें दिन की कथा, अध्याय 16 में। सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुण दोष वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ वाल्मीकि जी ने दृढ़धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विजशार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित, भगवान हरि को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है, ऐसे जीवन को पाकर जो पुरुष हरि चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं, वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुष्कर संसार से तारने वाला कोई और नहीं है, और हरि की ही कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक उत्तम विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को अत्युत्तम वर दे। उनके देखते देखते श्री भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जाकर गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसका गर्भ पूरा हो गया। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव पुत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। सुदेव ने अपने कुटुंबजनों और अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूनम के चंद्रमा के समान कांति वाला और शुकदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका नाम शुकदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न हो यज्ञोपवित संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया, फिर वेदारंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार ने वेद अध्ययन शुरू किया। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उनके एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले देवल मुनि आए। उनको देखकर सुदेव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्ध्य पाद्यादि से मुनि का पूजन कर आसन बिछाया। भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरण में पड़े हुए कुमार को देख देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए और इससे तुम धन्य हो गए, जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा विनर्म बुद्धिमान बोलने में चतुर वेदाध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चावर, यवरेखा के साथ कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी की सूंड के समान दोनों हाथ, कानों तक फैले हुए दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवली की रेखा शोभित,
ऐसे पुत्र को देखकर मुनि आश्चर्य युक्त हो उस उत्कंठित ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तेरा यह पुत्र तो गुणों का सागर है। गले की हंसली मांस से छुपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं, सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी श्वास लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष भी है जिससे इसके सब लक्षण व्यर्थ हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा ही, इसमें संशय नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे मरने वाले को औषधि देना व्यर्थ है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और इधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर पुत्र को गोद में ले प्रेम से मुख चूमती हुई पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा और न होने वाला कभी नहीं घटित होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए? राजा बलि को भी बंधन में बांधा गया, यादवों का भी नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वृतासुर भी नष्ट हो गया, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य और रावण के भी सिर काटे गए और हे मुने, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह का दुख हुआ। हे मुनीश्वर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो होने वाला है सो तो होगा ही, अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और मोक्ष देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के कमल चरणों का ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 16वां अध्याय समाप्त।